देखिए ये हम जो है रानीखेत में पहुंच चुके हैं, रानीखेत प्रवेश द्वार में। यहाँ पे देखिए ये आपका, इसको बड़ा करके दिखाते हैं थोड़ा सा, कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर है। इसमें आपने नहीं जाना है, अगर आपने हेड़ा खान बाबा के मंदिर जाना है, यहाँ एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसके लेफ्ट से यहाँ से नीचे की तरफ चलिए, ठीक है, और यहाँ से नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद में आपने एक राइट टर्न, देखिए एक तो आपका जो है लेफ्ट में की तरफ निकल जाएगा जो कि ताड़ीखेत की तरफ जाएगा यहाँ से 1.5 किलोमीटर बाद करीब, और एक आपका राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा जो कि आपका हेड़ा खान बाबा मंदिर की तरफ जाएगा। और उस रूट पे लगभग आप जब 1 किलोमीटर चलेंगे तो 1 किलोमीटर चलने के बाद आप वहाँ से भी नीचे लेफ्ट टर्न लेंगे। आगे देखेंगे कि कैसे रूट जो है आपका चिन्यालवाड़ा की तरफ जाके बाबा हेड़ा खान मंदिर की तरफ हमें लेके जाता है। खेत हम प्रॉपर ना जाके ताड़ीखेत वाले रूट पे कटे थे और उसी पे हम आगे बढ़ते हुए देखिए लेफ्ट जो हमने आगे जाके राइट टर्न लिया था आए हैं। और ये आप देखिए यहाँ से नीचे की तरफ को आप सामने बोर्ड देख सकते हैं वीर शवा स्कूल, और यहाँ से आप चिनिया लौना की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से ही आपको बाबा हेड़ा खान का जो है मंदिर मिलेगा। तो हम ये यहाँ पर आके रुके हैं और देखिए ये मंदिर का जो है हेड़ा खान बाबा मंदिर का प्रवेश द्वार है और यहाँ से अंदर की तरफ हम एंट्री करेंगे। और देखिए ये अंदर आते ही, क्योंकि बाबा स्वयं भोलेनाथ के अवतार हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए मंदिर में प्रवेश करते ही बिल्कुल नटराज रूप में भगवान शिव के दर्शन आपको होते हैं। और ये बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ आप चलते हैं तो मुख्य मंदिर की तरफ आपका प्रस्थान होता है, और ये लेफ्ट हैंड साइड है जहाँ पे देखते हैं चलिए क्या होता है। वैसे ये प्राइवेट रेजिडेंशियल एरिया है जो कि शायद इन लोगों का होगा, जो ये भी यहाँ पर आपके पंडित जी वगैरह हैं उनके लिए होगा, तो अंदर जाना ठीक नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हाँ, लेकिन मुख्य मंदिर के अंदर अब हम प्रस्थान करेंगे और जानेंगे यहाँ के बारे में। तो ये हमने मंदिर के अंदर देखिए अभी प्रवेश किया है, और प्रवेश करते ही मंदिर के अंदर हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले, क्योंकि गणेश जी को ही पूजा जाता है, तो गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे जो है स्थापित की गई है। और अंदर घुसते ही हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से कोविड के पीरियड में यहाँ पे गाइडलाइंस को हमने फॉलो करना है और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग विद प्रॉपर मास्क के साथ हमने इसमें जाना है। और आप देखेंगे इस वीडियो में लगभग हम भी मास्क लगाए दिखेंगे, और जहाँ पर कोई भीड़ बिल्कुल नहीं होगी वहाँ पर शायद हम मास्क हटा सकते हैं एक आध बार, ठीक है, क्योंकि वॉइस कई बार क्लियर नहीं होती है, ठीक है। और बहुत सुंदर और साफ़ जो है ये परिसर मेंटेन किया गया है, फूलों को भी आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे बिल्कुल रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंदिर के जो खुलने का समय है श्रद्धालुओं के लिए वो दिया गया है, गर्मियों में समर्स की अगर आप बात करते हैं तो ये टाइम 5:30 से 11 बजे तक है, 5:30 AM to 11 AM। विंटर्स जैसे ही आ जाएंगे जाड़ों में, सर्दियों में, तो ये टाइम 6:30 से 11 बजे तक हो जाएगा, 6:30 to 11 AM। और दोपहर में, ठीक है, अगर आप नून में आते हैं तो 12 बजे से 8 बजे तक ये टाइमिंग है, और हम आज अभी 12 बजे के आसपास पहुँचे। Om Rajyoti Gauram Swayam Bhujaga.
और ठीक मुख्य मंदिर के बाएं हाथ की तरफ हनुमान जी की एक मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है और बहुत ही सुंदर ये मूर्ति देखने के लिए मिलती है। देखिए ये मुख्य मंदिर के दर्शन अभी हमने किए, ठीक है। और अगर इस मंदिर से फिर हम पीछे की तरफ घूमें और नॉर्थ की तरफ चलें तो यहाँ से देखिए आज काफ़ी धुंध है, बहुत ज़्यादा धुंध है। इधर जंगलों में काफ़ी आग भी लगी हुई है जिसकी वजह से धुआं काफ़ी है। तो हिमालय रेंज जो यहाँ से नज़र आती है वो आज तो अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र नहीं आ पाएगी, लेकिन फिर भी देखिए कैसे हम समझ सकते हैं, अभी तो यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी यहाँ देखिए बहुत बढ़िया जो है एक सुंदर सा डायग्राम जो है वो दिया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सारी की सारी पीक्स जो कि इस डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इस डायग्राम में देखिए जो कि पीक्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये सारी की सारी पीक्स जो हैं सामने नज़र आती हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, उत्तराखंड हिमालय। तो अगर आप इस एंड से यहाँ से इसको शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं और ये सबसे ऊंचाई वाली रेंज है, और सबसे ऊंचाई तो नहीं कहेंगे, इन्होंने हाइट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज नहीं किया है। तो अगर आप देखें ये सबसे पहले ये जो पीक आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, ये आपकी माउंट कैमेट है जो कि 7756 मीटर पे है। फिर आप ऐसे मूव चले तो 7272 पे फिर आपको माना आपको नज़र आएगा, माना पीक आपको यहाँ पे नज़र आएगी। फिर ऐसे ही आप ट्रेवल करके चलते हैं तो यहाँ से फिर आपको गौरी पर्वत नज़र आता है जो कि 6708 मीटर पे है। फिर इसके बाद हाथी पर्वत आपको यहाँ नज़र आता है जो कि 6727 मीटर पे है। फिर इसके अलावा यहाँ पे आप देखें नंदा घुंटी जो कि 6309 मीटर पे है, ये आपको नज़र आता है। फिर ऐसे ही 7120 मीटर पे त्रिशूल पर्वत नज़र आता है। फिर यहाँ से आपका मृगथुनी जो कि 6855 मीटर पे है, और इसके बाद आपका मैकटॉली जो कि 6803 मीटर पे है।
फिर माँ नंदा देवी पर्वत जो कि 7816 मीटर पे यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा फिर आप देखें नंदा खाट जो कि 6611 मीटर पे है। इसके अलावा नंदा देवी ईस्ट में भी कुछ यहाँ पे शो किया गया है 7439 मीटर पे, ठीक है। फिर ये आपका एक ट्रेल पास नज़र आता है 5312 मीटर पे। फिर ये पिंडारी ग्लेशियर है 3820 मीटर पे, ठीक। फिर यहाँ पे आपका छनगुच है 6322 मीटर पे, नंदकोट 6861 मीटर। फिर आपके बाद लसपदरा जो कि 5913 मीटर, दंगथल 6050 मीटर। फिर ऐसे ही आप मूव करते हुए चलते हैं और इसको जब देखते हैं तो यहाँ पे आपको राजरंभा 6537 मीटर पे ये चोटी नज़र आती है। फिर यहाँ पे आपका नगलाफू 6410 मीटर पे। फिर ऐसे ही यहाँ से पंचाचुली का पूरा एक ग्रुप आता है जो कि 6904 मीटर, 6312 मीटर, 6334 मीटर और 6437 मीटर पे अलग अलग चोटियाँ दिखाई गई हैं। तो ये सारा का सारा जो भी मैंने आपको अभी इस डायग्राम के थ्रू दिखाया है ये ऐसे ही एस सच सामने नज़र आता है इस नॉर्थ में, लेकिन धुंध की वजह से ये अभी नहीं दिख पाएगा। और मंदिर के सिर्फ सीधे आपके देखें दाई हाथ की तरफ को एक ये शिवलिंग और साथ ही साथ भोले बाबा की एक मूर्ति भी लगी हुई है। देखिए आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं एक संक्षिप्त जो इतिहास है यहाँ पे बिल्कुल लिखा गया है इस शिला पे बाबा हेड़ा खान के बारे में, ठीक है। और दो मिनट में मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री श्री 1008 हेड़ा खान वाले बाबा जी शिव स्वरूप हैं ऐसा जनता का मानना है। स्वामी परमहंस योगानंद की आत्मकथा के अनुसार भी बाबा शिव स्वरूप हैं तथा सृष्टि की रचना से ही वह समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। हेड़ा खान वाले बाबा का पिछला अवतार 18 से 20 वर्ष के योगी के स्वरूप में सन 1970 में प्राचीन कैलाश पर्वत की तलहटी ग्राम हेड़ा खान की पवित्र गुफा में हुआ था। उन्होंने कभी किसी गर्भ से जन्म नहीं लिया। 14 फरवरी 1984 को बाबा जी समाधिस्थ हो गए थे। बाबा जी ने चिलियानौला मंदिर का निर्माण 1976 से शुरू किया तथा 15 जून 1983 को श्री सीपीएन सिंह तत्कालीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश के करगमलों द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। मंदिर में मुख्य मूर्ति श्री श्री 1008 हेड़ा खान वाले बाबा के पूर्व स्वरूप की है जो सन 1922 में समाधिस्थ हुए थे। और यही बाबा जी का संदेश है कि सत्य सरलता एवं प्रेम से रहें। और बाबा की जो मूर्ति है ये मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। अब जो भी यहाँ पे मैंने आपको पढ़ के बताया इंग्लिश जो समझते हैं, मान लीजिए कोई हमारे फॉरनर अगर श्रद्धालु हैं जो विदेश से आते हैं उनके लिए भी ये मैसेज यहाँ पर जो है इंग्लिश में लिखा गया है, तो इसको पढ़ने की मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझता। अगर आप चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए इसकी लोकेशन की अगर आप बात करते हैं कि ये हेड़ा खान बाबा का मंदिर कहाँ पर हमें मिलता है, तो यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी डिटेल जो है दी गई है। तो हो सकता है कि ये आपको शायद यहाँ से विजिबल ना हो, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। ठीक है, उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से ये देखिए ऊपर आपका बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से इन्होंने बताया है। और इसमें सब इसके अक्षांश हैं, देशांतर हैं, हाइट इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसकी समुद्र तल से 1749 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई नज़र आती है। और जो नियरेस्ट प्लेसेस आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, तो रानी झील जो कि 7 किलोमीटर यहाँ से पड़ती है, कटारमल सूर्य मंदिर जो कि 40 किलोमीटर है, चितई मंदिर जो कि अल्मोड़ा में 55 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, इसके अलावा अग्नेरी मंदिर माँ अग्नेरी मंदिर भी 60 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से है, और इसके बाद आप देखते हैं गणनाथ मंदिर जो कि 64 किलोमीटर पे है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने आपको बताई है ठीक इसके अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो यही इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में भी सब दे रखी है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑल्टीट्यूड नियरेस्ट प्लेसेस टू विजिट फ्रॉम दिस हेड़ा खान प्लेस, ओके। और जैसे ही हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करने के दौरान हमें यहाँ पे और भी कई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि भोलेनाथ जी के भक्त ही या अवतार कह लें बाबा जी रहे हैं ऐसा लोगों का मानना है। तो हर जगह ओम नमः शिवाय त्रिशूल ये सब आपको नज़र आता है। और बहुत बढ़िया तरीके से देखिए मैनेज किया गया है, सामने ऑफिस भी है इनका देख सकते हैं आप, ठीक है, और एक बुक शॉप भी है।
यहाँ पे शायद कुछ धार्मिक किताबें मिलती हों। और बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर को जो है मेंटेन किया गया है। अगर आप इसको ऐसे देखें, थोड़ा देखते हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर। तो ये है मंदिर की परिक्रमा ऐसे ही। तो ऐसे ही आप एक पूरा चक्कर कर सकते हैं, फिर घूम के आप आगे मंदिर की तरफ ही पहुंच जाएंगे। ठीक मंदिर के पीछे एक सुंदर पत्थरों से बनी हुई आकृति है, जिसमें कि भोलेनाथ का एक मूर्ति यहाँ पे रखा गया है, इसे देख सकते हैं। और काफ़ी सुंदर ये देखने में लगता है, काफ़ी मनमोहक है। तो अगर पूरा पिक्चर इसका देखें, ये देखिए काफ़ी सुंदर ये नज़र आता है। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम ये बाबा के दर्शन करके लौट रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो मार्ग है, अभी ये हम जो है चिलिया नौला से वापस रानीखेत की तरफ जा रहे हैं। तो ये रूट है, देखिए पहाड़ों की वादियां काफी खूबसूरत, काफी सुंदर। हालांकि इस समय जंगलों में काफी आग लगी हुई है और हर तरफ धुंध सी छाई हुई है और बारिश क्योंकि इस बार पहाड़ों में स्पेशली यहाँ कुमाऊं में नजर नहीं आई है इस रीजन में, तो इसलिए बहुत ज्यादा ग्रीनरी भी नजर नहीं आएगी। लेकिन आप लोग देखते ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बरसात खत्म होती होगी तो उसके बाद कितना लश ग्रीन ये एरिया और कितना मनमोहक, कितना सुंदर लगता होगा। तो कभी एक वीडियो और एक ब्लॉग जरूर बनाएंगे बरसातों में जब हम यहाँ की तरफ आएंगे। बाकी आप देख सकते हैं हम आगे की तरफ चल रहे हैं और वापस अब हम लौट रहे हैं बाबा के दर्शन करने के बाद। ठीक आगे की तरफ हम चलते हैं।